हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की, और उसके साथ ही ETF को लेकर यहां पर कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। कुछ एनालिस्ट जिनका यहां पर स्पॉट BTC ETF को लेकर जो स्टेटमेंट है वो यहां पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है, और क्या कुछ उनका कहना है कि यहां पर ये अप्रूव होगा या नहीं होगा, और उसके साथ ही कितने परसेंटेज लोग अभी यहां पर शिबा इनू कॉइन में प्रॉफिट में हैं। क्योंकि अगर हम शिबा कॉइन की बात करें, काफ़ी टाइम से इसका जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसे परचेस किया हुआ है, तो कितने लोगों को अभी तक यहां पर इसमें प्रॉफिट हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर शिबा इनू के होल्डर्स की, तो शिबा इनू के होल्डर्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो अमोंग 105 सिटीज में पहुंच चुकी है यूनाइटेड स्टेट में। अगर हम USA में बात करें, लगातार USA में ये ट्रेंडिंग में रहने वाला कॉइन है। इससे पहले भी आपने देखा होगा टॉप 10 में लगातार बना हुआ रहता था। अगर हम होल्डर्स की बात करें, 13,66,000 से ऊपर हो चुके हैं, मतलब 1.366 मिलियन से ऊपर हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट यहां पर यूनाइटेड स्टेट की 105 सिटीज है जहां पर इसकी पॉपुलेशन है, मतलब यहां पर जो क्रिप्टो करेंसीज है शिबा इनू कॉइन को यहां के इन्वेस्टर्स ने बाय किया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर शिबा इनू वॉलेट्स, यहाँ पर बड़े बड़े वेल्स हैं जिन्होंने शिबा इनू कॉइन को परचेस किया हुआ है अभी के समय में भी। लेकिन अगर हम यहाँ पर शिबा इनू के एड्रेसेस की बात करें जो अभी के समय में प्रॉफिट में देखने को मिल रहे हैं, तो ओनली 22% ऐसे यहाँ पर एड्रेसेस है जो अभी के समय में प्रॉफिट में है, और यहाँ पर 62% ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी लॉस में चल रहे हैं। इनटू द ब्लॉक ने ये डेटा शेयर किया। अगर हम यहाँ पर होल्डर्स की बात करें, कंपोजिशन बाय टाइम हेल्ड, कितने टाइम से यहाँ पर होल्डर्स ने इसे होल्ड करके रखा हुआ है, 76% से ज्यादा ऐसे होल्डर्स है जिन्होंने यहाँ पर एक साल से ज्यादा हो चुका है जब से इसे होल्ड करके रखा हुआ है। अगर हम बात करें ऐसे होल्डर्स की जिन्होंने 1 से 12 मंथ के बीच में इसे होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर 22% होल्डर्स हैं। उसके साथ ही लेस देन 1 मंथ वाले होल्डर्स की अगर हम बात करें तो 3% ऐसे है जिन्होंने यहाँ पर इसे 1 महीने से भी कम होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर होल्डर्स आप देख सकते हैं कम, बहुत कम अभी के समय में प्रॉफिट में है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्राइस है लगातार डीप में जा रहा है, जिस वजह से जो बाइंग रेंज थी, अगर ये फिर से 0.001 के लेवल पर जाता है, अगर हम INR में बात करें तो ये जो आंकड़ा अभी आप देख रहे हैं 22%, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर इसे 0.009 इसके अलावा 0.001 के लेवल पर INR में बाय भी किया हुआ है। अगर हम बर्निंग रेट की बात करें तो बर्निंग रेट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ पर बर्निंग इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो रही है जिस प्रकार से दिसंबर में हुई थी। जनवरी की शुरुआत से अभी तक जो बर्निंग है वो शिबेरियम के थ्रू नहीं हुई है, टीम के द्वारा नहीं हो रही है, कम्युनिटी भी इतनी ज़्यादा बर्निंग नहीं कर रही है, लेकिन लास्ट 24 आवर्स में बर्न रेट इंक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 4000% जो बर्न रेट है उसमें उछाल देखने को मिला हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर मेट्रिक स्पोर्ट की रिपोर्ट जो आई थी, उन्होंने ये कहा था कि जनवरी में जो अप्रूवल है स्पॉट BTC ETF का वो यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा इनका स्टेटमेंट। ये जो चैनल यहाँ पर देखने को मिल रहा है या ट्विटर हैंडल देखने को मिल रहा है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन इनके प्रेडिक्शन के बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, और इनका ये मानना है कि जो प्राइस है वो फॉल बैक होगा और 36,000 और 38,000 डॉलर के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा हुआ है SEC को लेकर और स्पॉट BTC ETF को लेकर, SEC विल अप्रूव स्पॉट BTC ETF टू मेंटेन रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर क्रिप्टो इंडस्ट्री। एनालिस्ट का ये कहना है कि SEC यहाँ पर स्पॉट BTC ETF को अप्रूव क्यों कर सकती है, क्योंकि वो यहाँ पर जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर मेंटेन करना चाहती है, उसके ऊपर जो रेगुलेटरी कंट्रोल है वो यहाँ पर रखना चाहती है। इस वजह से इस बार SEC के द्वारा जो स्पॉट BTC ETF है उन्हें यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा, वो इन्हें अप्रूव कर देगी ताकि उस पर भी जो कंट्रोल है SEC का वो यहाँ पर बना हुआ रहे। अगली अपडेट की अगर हम बात करें, MicroStrategy माइकल सेलर से जुड़ी अपडेट है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि माइकल सेलर अपने जो MicroStrategy कंपनी है उसके शेयर्स को बेच रहे हैं, और यहां पर 216 मिलियन डॉलर के जो शेयर्स हैं उन्हें यहां पर इनके द्वारा सेल किया जा रहा है, और यहां पर प्लानिंग ये बताई जा रही है कि सेल करने के बाद वो यहां पर BTC को बाय कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि और BTC यहां पर इनके द्वारा बाय किए जाए, ऐसी रिपोर्ट्स यहां पर निकल कर आ रही, क्योंकि इससे पहले भी एक बड़ा प्रॉफिट यहां पर अभी तक इन्हें हुआ है, लगातार ये बाय कर रहे हैं डीप में, और एक बड़ा क्वांटिटी जो है ऑलमोस्ट अगर हम देखें 0.9% हिस्सा जो है BTC का वो वर्ल्ड वाइड अभी इनके पास हो चुका, और इसे यहां पर ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से MicroStrategy जो है वो अपने शेयर्स को यहां पर सेल करना चाहता है। एनालिस्ट का ये भी मानना है कि कल के दिन में कोई बड़ी खबर आ सकती है, मतलब इस वीक में यहां पर कोई बड़ी खबर आ सकती है जो स्पॉट BTC ETF से जुड़ी हुई। तो अगर आप यहां पर कुछ ऐसे कॉइन्स को ढूंढ रहे हैं जो डीप में आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, तो शिबा पर भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, बोन पर भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि बोन भी यहां पर बढ़ सकता है, इसके अलावा आर्बिट्रम पर भी आप फोकस कर सकते हैं, मेटिक कॉइन, काफी सारे कॉइन्स हैं जो डीप में आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं जहां पर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और कोई भी अपडेट के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साइट टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।